जिसे कहते हैं चंग की थाप पर दर्शक गिरकते हुए नजर आते हैं, पर्यटक मजे लेते हुए आनंद लेते हुए हमें नजर आते हैं। किए जा रहे हैं ये भूल जांच ग्रुप हमारे बीच में श्री पूरन साहू जी सनातनी मनाय वैद्य यात्रा सेवा समिति जयपुर के द्वारा आप सभी बीच में प्रस्तुति दे रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध शाही तीज की सवारी की अद्भुत तस्वीरें हैं। जनाना ड्योरी से अब तीज माता की सवारी निकल रही है त्रिपोलिया गेट से, और इसका पूरा का पूरा जो रूट मैप है आपको बता दें कि ये सवारी यहां से निकल करके त्रिपोलिया बाजार से होती हुई छोटी चौपड़ गणगौरी बाजार चौगान स्टेडियम पहुंचेगी, और सुरक्षा व्यवस्था के माकूल इंतजाम है। दुनिया भर से ना केवल पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं बल्कि प्रिंसिपल के तमाम लोग भी यहां पर मौजूद हैं शाही सवारी को देखने के लिए, तीज माता के दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। श्रावणी तीज का ये मौका बेहद सुंदर है, खूबसूरत है, और देखिए लहरिया थीम पर ये अब सवारी बाहर निकलती हुई त्रिपोलिया गेट से। इसके आगे हाथी घोड़े और शाही लवाजमा, और इसीलिए इसे शाही सवारी कहा जाता है। जो पूर्व राज परिवार है उसका शाही लवाजमा इसमें होता है, और अब धीरे धीरे एक एक करके ये पूरा लवाजमा बाहर निकलता हुआ। और खास बात यह है कि पिंक सिटी का ये जो रूट मैंने आपको बताया त्रिपोलिया बाजार छोटी चौपड़ गणगौरी बाजार होते हुए चौगान स्टेडियम तक का, वहां पर तमाम जगह पर जो बाहर से आने वाले सैलानी है, खासतौर पर जो विदेशी पर्यटक आते हैं उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं होती है। ये जो आप अब देख पा रहे हैं दोनों तरफ जो बरामदे हैं उनके ऊपर बैठने की व्यवस्थाएं होती है। आज क्योंकि ये देखिए कि अभी जो मौसम है वैध उत्साह देखिए। ढोल वादन राजस्थान की संस्कृति का एक अद्भुत जो है समागम रहा है, या आप यूं कहें कि संस्कृति का एक अद्भुत हिस्सा रहा है वो ढोल वादन, और उसके साथ में मजीरा मजीरा बच्चों में भी आप उत्साह देख सकते हैं। और ये जो शाही राज परिवार है उसका प्रतीक सबसे आगे इस हाथी पर चलेगा, उसके पीछे पीछे आप देखेंगे पूरा शाही लवाजमा है जिसमें यहाँ राजस्थानी यानी कि रेगिस्तान का राजा जिसे कहा जाता है वो भी शाही सवारी में इस बार शामिल किया गया है। और ये शाही सवारी बड़े ही बड़े स्तर पर आयोजन इसका किया गया है जिसमें हाथी घोड़े ऊंट सब हमें नजर आ रहे हैं। राजस्थान का जहाज ऊंट जिस पर पूरे शाही अंदाज में राजस्थान की संस्कृति से आप रूबरू हो सकते हैं, और पहले सबसे पहले हाथी उसके बाद ऊंट और उसके पीछे होंगे घोड़े जो शाही लवाजमे का पूरा प्रतीक। और ये संस्कृति राजस्थान की गुलाबी नगरी की पूरी दुनिया में इस बात के लिए जानी जाती है। हमें नजर आएगी उससे पहले राजस्थानी लोक कलाकार अपनी प्रस्तुति देते हुए हमें नजर आ रहे हैं, और बड़े हर्षोल्लास के साथ वो अपनी प्रस्तुति के जरिए पर्यटकों को भी लुभा रहे हैं। ये लुभाती हुई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजस्थान का राजा कहे या फिर रेगिस्तान का राजा जिसे कहा जाता है ऊंट वो भी शाही सवारी का हिस्सा है, और देखिए ऊंट भी कैसे सजे धजे हमें नजर आ रहे हैं। सावन की तीज है जिसका खास मकसद और खास महत्व माना जाता है हमारे पहचान। जब राजस्थान प्रदेश की बात की जाती है और राजस्थान के मोतियार यानी कि राजस्थान के पुरुषों की बात की जाती है तो उनकी लंबी मूछें जो है यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन होती है किसी भी राजस्थानी की, तो जो रेगिस्तान यानी कि ऊंट पर सवार है आप देख सकते हैं उनके ऊपर राजस्थानी
दिशा रही है कि राजस्थानी कलाकार इतने उत्साहित हैं इस तीज महोत्सव को लेकर, और अलग अलग बैंड की तरफ से यहाँ प्रस्तुति भी दी जा रही है। सुंदर बैंड हमारे साथ में मौजूद है जो अपनी स्पेशल प्रस्तुति दे रहा है। तीज लोक सांस्कृतिक जो भजन है, सांस्कृतिक जो गाने हैं, उनकी प्रस्तुति सुंदर बैंड की ओर से दी जा रही है। ये तस्वीरें साल में सिर्फ एक बार देखने को मिलती है, और आज ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मनमोहक तस्वीरें हैं, और इसका पर्यटक बड़ी संख्या में आनंद उठाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। हजारों की संख्या में पर्यटक आज यहाँ पहुँचे हैं और तीज की सवारी का लुत्फ उठा रहे हैं। गेट से तालकटोरा स्टेडियम तक ये गुलाबी नगरी जयपुर की बेहद खूबसूरत तस्वीरें, जहां पर शाही तीज माता की सवारी निकल रही है, और एक एक करके अब जो शाही लवाजमा है वो बाहर निकलता हुआ, और यहां से आप राजस्थान की संस्कृति के उन अद्भुत रंगों को देख सकते हैं, चाहे वो अलग अलग लोक नृत्य हो, लोक कलाकार हों, उनकी धुनें हों। देखिए, ये पारंपरिक वाद्य यंत्र है, ढोल नगाड़ों के साथ साथ, मंजूरों के साथ साथ, आप देखिए कि पारंपरिक वाद्य यंत्र, और ना केवल पारंपरिक वाद्य यंत्र बल्कि पारंपरिक वस्त्र सज्जा भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। कच्ची घोड़ी नृत्य से लगा करके कालबेलिया डांस, और ये देखिए अद्भुत राजस्थानी डांस महारी घूमर छे नकरियालिए में, घूमर और घूमर की संस्कृति, और ये राजस्थान की अद्भुत संस्कृति के दर्शन आप इस तीज की शाही सवारी में कर सकते हैं, और यही खास बनाती है ताकि दुनिया भर से जो सैलानी हैं वो इस खास तीज की सवारी को, इसके रंगों को देखने के लिए और तीज माता के दर्शन करने के लिए यहाँ तक पहुँचते हैं। अपने आप में अद्भुत है, बहुत ही खूबसूरत है, और अलग अलग तस्वीरों के जरिए जरा समझिए कि किस तरीके से जब सावन के महीने में प्रकृति अपने ऊपर हरे रंग की चुनर ओढ़ लेती है, या यूं कहें कि प्राकृतिक छटा जो राजस्थान की भी रेगिस्तान में भी हरियाली छा जाती है, उस वक्त ये हरियाली तीज और खासतौर पर ये सावन की तीज का अपना एक अलग अंदाज, अपना एक अलग महत्व हमारे जीवन में रहा है, और उस रंगों को समेटे हुए शाही तीज की सवारी, जिसे इसीलिए कहते हैं कि लहरिया इस सावन के महीने में महिलाएँ खासतौर पर अपने ओढ़नी के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, और इस तीज के दिन भी महिलाएं व्रत रखती हैं और तीज माता के दर्शन करती हैं। इस लिहाज से सनातन काल से परंपरा ये चली आ रही है तीज माता को लेकर के, और ये शाही सवारी इसलिए क्योंकि जो शाही महल है, पूर्व राज परिवार है, वहाँ की जनाना ड्योढ़ी से ये निकाली जाती है शाही सवारी तीज की, और ये त्रिपोलिया गेट से होकर के तालकटोरा स्टेडियम, जिसकी अपनी एक महत्व रहा है हमारी संस्कृति में, विरासत में, वहाँ तक ये शाही तीज की सवारी पहुँचती है। देखिए, ये गुलाबी नगरी का सबसे प्रसिद्ध बैंड है, और बैंड वादन के साथ ही हाथी है, ऊँट है, घोड़े हैं, और ऊँट इसलिए खास क्योंकि राजस्थान की संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण, आप इसे कह सकते हैं रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, और साथ ही राजस्थान के रौबीले नौजवान, जिनकी मूछें, जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, ये राजस्थान का जो लोक परिदृश्य है उसको स्थापित करती हुई ये तस्वीरें हैं, बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं, जिसमें राजस्थान का हर रंग है, चाहे वो लोक संस्कृति की बात कर लीजिए, लोक कलाओं की बात कीजिए, या फिर हमारी जो पहचान है मूछों के साथ साथ राजस्थान की पगड़ी, और राजस्थान की पगड़ी में भी आप यूँ कहिए कि मारवाड़ से लगा करके शेखावाटी में अपनी अपनी पगड़ी बांधने का अलग अलग तरीके से प्रचलन रहा है, और खासतौर पर जब हम ढूंढाड़ की बात करते हैं और जयपुर के इलाके की बात करते हैं तो वहाँ पर जो पगड़ी है उसका भी अपना एक अलग अंदाज होता है। तो ये तस्वीरें इसलिए भी बेहद खास हैं, और आप देखिए मौसम भी उसी तरह से सुहाना है, प्रकृति आज पूरी तरह से मेहरबान है, और तीज माता की सवारी अब कुछ ही देर में यहाँ से निकलने वाली है, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है, और वो भी क्यों ना, क्योंकि साल में एक बार ये तीज का त्यौहार आता है जो हर्षोल्लास से दर्शक कहे, श्रद्धालु कहे, वो मनाते हैं और पूरे एक साल इंतजार करते हैं। कुछ ही समय में त्रिपोलिया गेट से हमें तीज माता की सवारी सजी धजी शोला श्रृंगार में देखने को मिलेगी, और उनके पीछे कलश यात्रा में रहते हुए महिलाएं भी दिखेंगी जो लहरिया पहनते हुए हमें दिखाई देगी। और मैं आपको बता दूं कि लहरिया जयपुर का जो है फेमस माना जाता है, और सावन के माह पर खासतौर पर स्त्रियाँ लहरिया पहनती है, लहरिया की भी अपनी परंपरा है, राज परिवार से ये नाता इसका जुड़ा है, राज परिवार 17वीं सदी से जो है लहरिया को पहनते हुए आना, और खासतौर पर सावन माह में लहरिया पहना जाता है, और राजधानी में आज आप देखेंगे तो हर कोई लहरिया में हमें नजर आएगा, जो कि एक पारंपरिक परिधान है जो महिलाएं आज के दिन पहनती है। और जब तीज माता की शाही सवारी आपको देखने को मिलेगी तो वो भी हम कह सकते हैं कि पूरे लहरिए से सजी धजी हमें दिखाई देगी, और कुछ ही देर
से सजी धजी शाही सवारी हमें देखने को मिलेगी। उससे पहले लोक कलाकारों द्वारा लगातार प्रस्तुतियां दी जा रही है, जिसमें हमने तेरा ताली कुची घोड़ी कालबेलिया नृत्य भोपा वादन इन सबको देखा। और अब जो है जयपुर के यानी कि राजधानी के प्रमुख बैंडों बैंड्स की ओर से प्रस्तुतियां दी जा रही है, जिसमें सुंदर बैंड ताज बैंड जो प्रमुख बैंड शुमार है उनको शामिल किया गया है और वो अपनी स्पेशल प्रस्तुतियां आज यहाँ देते हुए हमें नजर आ रहे हैं। उससे पहले तस्वीरें में हमने दिखाया कि कैसे लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देते हुए यहाँ त्रिपोलिया गेट से शुरू होते हुए चांदपोल गेट तक यानी कि ताल कटोरा तक वो पहुँचेंगे और पूरी शाही सवारी ऐसे ही निकलती हुई हमें नजर आएगी। तस्वीरों के जरिए हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे पर्यटक अपनी इस शाही सवारी का लुत्फ उठाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर और बस कुछ पल के बाद जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है, तीज माता की शाही सवारी यहां से निकलती हुई नजर आएगी। और कहा जाता है कि तीज सावन माह में आती है तब अपने साथ त्यौहार की छटा बिखेरती है, और जब बटकोर आती है तो अपने साथ सारे त्यौहार ले जाते हैं। यानी कि आज से हम कह सकते हैं कि त्यौहारों की भी छटा जो है शुरू हो गई है, और आज से हमें देखने को मिलेगा कि अलग अलग त्यौहार हम अब मना सकेंगे। आज तीज का त्यौहार मनाया जा रहा है, ऐसे गणेश चतुर्थी आने वाली है, जन्माष्टमी का त्यौहार आने वाला है। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाएंगे और कुछ ही देर में पुष्प वर्षा, देखिए उस खिड़की के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि पुष्प वर्षा वहां से होगी और ऊपर से सिटी पैलेस से जो है वो पुष्प वर्षा की जाएगी। और महिलाएं वहां पर मौजूद है लहरिया पहने हुए जो पुष्प वर्षा तीज माता की शाही सवारी पर करेंगी, और उसके पीछे लहरिया पहनी हुई हमें महिलाएं भी दिखाई देंगी। लोक कलाकारों द्वारा लगातार प्रस्तुतियां जा रही है जो करीब त्रिपोलिया गेट से शुरू होकर ताल कटोरा पहुंचेगी। जैसे मैंने पहले कहा था कि ऊंट और घोड़े और हाथियों के साथ ये शाही लवाजमा जैसे जैसे निकलेगा उसके ठीक पीछे पीछे तीज माता की सवारी होगी जो जनाना ड्योढ़ी से बाहर निकलती हुई नज़र आ रही है। और ये जो त्रिपोलिया गेट आपको सामने नज़र आ रहा है उसी से निकलेंगी, लेकिन आप उससे पहले ये झांकी देखिए। रौबीला नौजवान, इसे राजस्थान की भाषा में कहते हैं बांको छोरो, और ये बांके नौजवान जो है वो राजस्थान की शान है। इनके मूछें पगड़ी और जो श्रृंगार है वो राजस्थान की पूरी संस्कृति को प्रदर्शित करता है कि किस तरीके से हमारे नौजवान जो है वो राजस्थान की आन बान और शान के प्रतीक मूछें। और ये तीन अलग अलग तस्वीरें हमारी सहयोगी महिमा जो है वहां पर मौजूद है। महिमा आप मुझे सुन पा रही हैं? अब कुछ ही वक्त बचा है, अब तीज माता की जो सवारी है वो त्रिपोलिया गेट से बाहर निकलती हुई हमारे दर्शकों को नजर आएगी। बिल्कुल, देखिए कुछ ही देर में तीज माता की शाही सवारी हमें देखते हुए नजर आएगी, और आप देख सकते हैं कि तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देते हुए हमें नजर आ रहे हैं, जिन्होंने कच्ची घोड़ी तेरा ताली भोपा वादन तमाम तरीके की तैयारियां कलाकारों की तरफ से की गई थी। और मैं बता दूं आपको कि ये तैयारियां जो है एक महीने पहले से ही शुरू कर दी जाती है, क्योंकि तीज का फेस्टिवल बहुत बड़ा फेस्टिवल माना जाता है और जिसके लिए पर्यटन विभाग भी करीब एक महीने पहले से यानी कि महीने भर पहले से कहा जा सकता है तैयारियां शुरू कर देता है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि कलाकार अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को भी दर्शाते हुए हमें नजर आते हैं, और बड़ी संख्या में जब पर्यटक यहां पहुंचते हैं तो उन कलाकारों की प्रस्तुति को देखते हैं तो वो अपने साथ एक अच्छी इमेज राजस्थान की लेके जाते हैं। यहां पर विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं जो अपने साथ ये तीज मेले की एक कह सकते हैं अच्छी मेमोरी लेकर जाएंगे और राजस्थान के कल्चर को अपने साथ संजोकर अपनी यादों में अपने देश और अपने प्रदेश पहुंचेंगे। अच्छा, तस्वीरें कुछ बया कर रही है, और का तीज महोत्सव है तीज माता की उसकी अपना अपना जो महत्व है उसका इस बात से समझा जा सकता है कि आज के दिन हाफ डे भी होता है ताकि सरकारी कर्मचारी भी यहाँ कर आकर के अपने परिवार के साथ शाही तीज के दर्शन कर सकें। और ये सबसे आगे हाथी पर चल रहा है, पूर्व राज परिवार का निशान प्रतीक। बिल्कुल, देखिए
पूरे जयपुर में आज कहे तो हाफ डे मनाया जा रहा है, क्योंकि तीज जयपुर का फेस्टिवल है और खासतौर पर राजस्थान में राजधानी में जब तीज मेला निकलता है तो दूर दराज से लोग यहाँ पहुँचते हैं, तो ऐसे में और तीज के दिन महिलाएं व्रत रखती है, तो अगर वो तीज माता की सवारी के दर्शन करती है तो बड़ी भाग्यशाली माना जाता है, पुण्यशाली उन्हें माना जाता है, तो ऐसे में सरकारी कर्मचारियों के लिए भी सरकार की ओर से आधे दिन का अवकाश जो है दिया जाता है, जिससे कि महिलाएं यहाँ आए और तीज माता की सवारी का दर्शन कर सके और उनके व्रत को वो पूरा और कम्प्लीट कर सके। हरियाली तीज आज है, पूरे देश भर में हरियाली तीज मनाई जा रही है, राजधानी जयपुर में भी तीज माता की शाही सवारी देखने के लिए पर्यटकों का सैलाब उमड़ा है, बारिश यहाँ हो रही है, लेकिन आप देखिए फिर भी यहाँ से मजार है कि पर्यटक इधर से उधर हो जाए या दर्शक इधर से उधर हो जाए या श्रद्धालु अपनी जगह से हिल जाए, सब एक जगह टकटकी निगाहों से देख रहे हैं कि कब त्रिपोलिया गेट से शाही सवारी आएगी और माता के दर्शन होंगे, क्योंकि साल में एक बार ये अवसर लोगों को प्राप्त होता है जी। तो तीज के दिन वो तो महिमा ये जो शाही तीज की सवारी में जिस तरीके से झांकियां अलग अलग राजस्थान की कला संस्कृति को प्रदर्शित करती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे जो वाद्य यंत्र हैं राजस्थान के, रावण हत्था, कमाचा, सिंधी सारंगी हो, मोरचंग हुआ, अलगोजा हुआ, नागफणी और ये जंतर, ये तमाम चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तीज जब तीज माता की शाही सवारी निकलेगी तो वो खुद 16 श्रृंगार से सजी धजी होगी, और ऐसे ही जब कहा जाता है कि जब तीज माता यानी कि पार्वती माता 16 श्रृंगार के साथ जो है निकलेंगी, तो ऐसे में महिलाएं भी जो है 16 श्रृंगार के साथ यहाँ पर मौजूद हुई है और अपने पति की लंबी उम्र के लिए आज उन्होंने व्रत रखा, और कहा जाता है कि अगर पार्वती मैया के दर्शन कर लेते हैं तो व्रत सफल हो जाता है, तो ऐसे में जब तीज माता की शाही सवारी निकलेगी उसके पीछे कलश यात्रा यानी कि कलश अपने सर पे धारण करे हुए महिलाएं भी हमें दिखाई देगी, जो लहरिए पहने हुए हमें दिखाई देंगी, तो ये तस्वीरें हम कुछ ही देर में हमारे दर्शकों को दिखाएंगे। ये आपने जब 16 श्रृंगार का जिक्र किया है, आप देख सकते हैं कि वहां से जी जी आपने बताया कि 16 श्रृंगार का भी यहां पर अद्भुत तरीके से तस्वीरें देखने को मिलेंगी तीज माता की, तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि सिंजारा भी है, और सिंजारा के इस खास मौके पर ना केवल जो आराध्य हैं हमारे पिंक सिटी के गोविंद देव जी, उनको भी मेहंदी लगाई जाती है, बल्कि महिलाएँ लहरिया पहन करके मेहंदी लगा करके सज सज करके तैयार भी होती हैं, और तीज माता की झांकी में आज वो तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी। बिल्कुल, देखिए सिंजारे का पर्व जो है तीज के एक दिन पहले मनाया जाता है, जिसमें नई नवेली दुल्हन के यानी कि पियोर से कहे अपने घर से जो है पूरे 16 श्रृंगार की सामग्री आती है, जिसे वो सज धज कर आज अपने सुहाग के लिए व्रत रखती है, और आज शाम को जो है वो व्रत खोला जाएगा, तो ऐसे में सिंजारे का महत्व बहुत हो जाता है, और राजधानी जयपुर में सिंजारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हमने हमारे दर्शकों को भी सिंजारा दिखाया कि कैसे महिलाएं सिंजारे का पर्व सेलिब्रेट करती है, मेहंदी लगाती है, और उनके घर से जो 16 श्रृंगार की सामग्री पहुंचती है उनके घर पे, उसमें वधु की सारी सामग्रियां जो है मौजूद होती है, कहा जा सकता है उसमें काजल, बिंदी, बिछिया, पायल, गहने, घेवर पारंपरिक मिठाई के तौर पर शामिल किया जाता है, तो घेवर भी उसमें शामिल होता है, तो ये सिंजारे का महत्व है जो तीज के एक दिन पहले सेलिब्रेट किया जाता है। आज महिलाओं ने मलाई वाला घेवर जिसका जिक्र आपने किया है, हमारे दर्शकों के मुंह में पानी आ जाएगा, घेवर फीणी यहाँ की इसकी खुशबू ही मंत्र मुग्ध कर देती है, और अब देखिए जिया बैंड बाहर निकलता हुआ, इसके ठीक पीछे ही जो है वो तीज माता की सवारी होती है महिमा। बिल्कुल, देखिए जिया बैंड आ चुका है, थोड़ी देर पहले सुंदर बैंड यहाँ से निकला है, और अब सब लोगों की नजरें सिर्फ तीज माता की शाही सवारी पर है, जिसका बेसब्री से इंतजार हमें है, और अब कहा जा सकता है कि कुछ ही देर में यानी कि 5 से 10 मिनट में तीज माता की शाही सवारी हमें देखने को मिलेगी, और इस बार लोक कलाकार भी ज्यादा थे, 150 लोक कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी गई, तो इसलिए शाही सवारी को निकलने में भी बहुत टाइम लगा, करीब थोड़ी ही देर में देखिए ऊपर से पुष्प वर्षा शुरू हो गई है, इसका मतलब ये है कि थोड़ी ही देर में तीज माता यानी कि पार्वती माँ अपने 16 श्रृंगार से सजी धजी बाहर निकलेंगी और भक्तों को दर्शन देगी, जो त्रिपोलिया गेट से शुरू होकर ताल कटोरा पहुंचेगी और ऐसे ही पूरे परकोटे में भ्रमण करेगी, नगर भ्रमण करेगी और अपने भक्तों को आशीर्वाद देगी। घेवर का जिक्र आपने किया था, घेवर की बात हम करें तो वो खास तौर पर तीज त्यौहार यानी कि तीज महोत्सव के दिन ही जो है घेवर लोग यहाँ पर खाते हैं, राजधानी में खास तौर पर परंपरागत मिठाई के तौर पर रिलीजियस अगर कहे तो वो एक मिठाई मानी जाती है घेवर। आज के दिन अगर किसी को ग्रीट करना होता है या किसी के घर कोई मिठाई भेजनी होती है तो वो घेवर भेजा जाता है, और घेवर अलग अलग तरीके के। घेवर की बात ही कुछ और है महिमा, उसकी मिठास ही कुछ और है। बिल्कुल, देखिए जब घेवर की बात आती है तो वो चाशनी और घेवर और वो मिठाई
हमें घेवर खाने को मिलता है तो वो मतलब दोगुना हो जाता है, वो फेस्टिवल में चार चांद लगा देता है और कहते हैं कि अगर फेस्टिवल पे मिठाई ना हो तो फेस्टिवल फेस्टिवल नहीं लगता है। तो ऐसे में राजस्थान के अगर हम रिलीजियस पर्पजेस के कल्चर और ट्रेडिशन की बात करें तो यहाँ हर त्यौहार पर एक अलग मिठाई होती है। दिवाली की बात करें तो काजू कतली फेमस होती है, तीज पर जो है घेवर फेमस होता है, गणगौर पर बात करें तो पीली फेमस होती है। ऐसे ही राजस्थानी में अलग अलग त्यौहारों पर अलग अलग परंपरागत मिठाइयों का भी चलन है जो हमें खास तौर पर देखने को मिलता है। थोड़ी देर में जो है माता की शाही सवारी निकलेगी जिसके लिए पर्यटक बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बारिश लगातार जारी है लेकिन लोगों का हुजूम भी बराबर यहीं पर उमड़ा हुआ है, लोग लगातार बने हुए हैं और अपनी टकटकी निगाहों से माता के दर्शन करने के लिए यहाँ पर रुके हैं। बिल्कुल उत्साह देखिए, हर किसी का उत्साह है। तीज सेलिब्रेट करें, तीज सेलिब्रेट करें, आज व्रत रखा है आपने, व्रत रखा है आज आपने, हाँ कैसे सेलिब्रेट कर रही है तीज को? ये पूरे शाही राज परिवार, पूर्व राज परिवार के सदस्य जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, माता जी के दर्शन करने को व्रत रखा है हमने और एंजॉय कर रहे हैं। महिलाओं का भी कहना है कि माता के दर्शन करने पहुंचे, देखिए जिसका हमें इंतजार था वो पर आ चुका है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि तीज माता की शाही सवारी तिपोलिया गेट से बाहर निकल चुकी है। मनमोहक दृश्य लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और जिसका इंतजार हमें बेसब्री से था वो तीज माता की शाही सवारी हम दिखा रहे हैं। दर्शक भी घर बैठे उसका दर्शन करते हैं थोड़ा सा कि किस तरीके से वहां पर बैंड की मधुर धुनों पर राजस्थान की कला संस्कृति साकार होती है। शाही सवारी निकलने में ही है और ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ड्रोन के जरिए, पुष्प वर्षा सवारी पर की जाएगी और ये तस्वीरें बयां कर रही है। आप देख सकते हैं कि ऊपर वहां से पुष्प वर्षा की जाएगी माता की शाही सवारी पर, कुछ ही देर में शाही सवारी निकलेगी। जयपुर के महाराजा भी हमारे सामने मौजूद है और वो भी अब जो है तीज माता की शाही सवारी का वेलकम करने के लिए पूर्व राज परिवार के जो तमाम सदस्य हैं महिमा, उन्हें हम देख पा रहे हैं और ये एक पूर्व राज परिवार की पोशाक जो देख सकते हैं अलग रंग के साथ में, जो पूर्व महाराजा हैं पद्मनाभ सिंह उनकी जो पगड़ी है वो हरे रंग की पगड़ी, बाकी जो लाल रंग की पगड़ी में यहाँ पर मौजूद और अब धीरे धीरे एक एक करके ये लवाजमा बाहर निकलता हुआ। जी महिमा, परंपरागत तरीके से शाही सवारी तिपोलिया गेट से कुछ ही देर में निकलने वाली है, कुछ चंद पलों की और देर है, उसके बाद जो पर्यटक जो दर्शक जो श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं सात वर्ष से तीज माता की शाही सवारी का दर्शन वो कर सकेंगे और पार्वती मैया के वो दर्शन कर पाएंगे और व्रत अपना महिलाएं खोल सकेंगे। उसके ठीक पीछे हमें लहरिए में महिलाएं दिखाई देंगी जो राजधानी में लहरिया फेमस है वो पहनते हुए वो दिखाई देंगे और राज परिवार से लहरिए का चलन है तो उस परंपरा को आज भी निभाया जा रहा है और कलश यात्रा यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी और ये तस्वीरें कुछ ही पल में आपके सामने होंगी। मैं तीज माता की शाही सवारी को देख पा रही हूँ, कुछ ही देर में दर्शक भी देख पाएंगे और 16 श्रृंगार से सजी धजी ये मूर्त जब हमें देखने को मिलेगी तो यहाँ पर जो बारिश में श्रद्धालु खड़े हैं उनकी भी तपस्या जो है पूरी होगी और साल भर में जो एक त्यौहार ही आता है उसको वो कंप्लीट कर पाएंगे। तस्वीरें बयां कर रही है कि आज तीज का महोत्सव कैसे सेलिब्रेट किया जा रहा है और देखिए मेरे पीछे से आपको आवाजें सुनाई दे रही होंगी कि कैसे यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वेट कर रहे थे और अब वो घड़ी खत्म हो चुकी है। इसी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे तीज माता शाही सवारी 16 श्रृंगार में नजर आ रही है, गौरी मैया हमारे सामने है और भक्त अब दर्शन कर पा रहे हैं। जो छठा आप देख सकते हैं ऊपर से पुष्प वर्षा की जा रही है, कौन से पुष्प वर्षा यहाँ की जा रही है और बहुत ही सजी धजी सुंदर पोशाकों में हमें पार्वती मैया नजर आ रही है।
इंतजार था वो इंतजार खत्म हुआ, अब भक्त दर्शन कर सकेंगे। और आप देख सकते हैं कि जयपुर के महाराजा रिचुअल्स पूरे कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी आरती कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से भक्तों के लिए इस तीज की सवारी शुरू होगी और जो ताल बटोरा जाकर पहुँचेगी और पूरे रास्ते पार्वती मैया अपने भक्तों को दर्शन देते हुए नजर आएगी। जिस पल का हमें इंतजार था वो आ चुका है और अब हम हमारे दर्शकों को भी तीज मैया के दर्शन करवा रहे हैं। हालांकि टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से भी लाइव टेलीकास्ट हर जगह किया जा रहा है, लेकिन न्यूज 18 सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है और इस तीज सवारी के दर्शन घर बैठे श्रद्धालुओं को भी करवा रहा है, जो कि देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि 16 श्रृंगार करी हुई पार्वती मैया नजर आ रही है, एकदम सुहागन का प्रतीक जिसे कहा जाता है। और आज सावन माह में तीज महिलाओं के लिए अब कंप्लीट मानी जाएगी, क्योंकि कहा जाता है कि जब तक तीज माता की सवारी के दर्शन ना हो तब तक कंप्लीट नहीं माना जाता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है महिलाएं अपने व्रत को कंप्लीट कर पाएगी और अपने सुहाग के लिए लंबी आयु के लिए व्रत जो है उनका संपन्न होगा। तस्वीरें बयां कर रही है कि राजस्थान के हर पारंपरिक त्यौहार का महत्व क्या होता है। और आप देख सकते हैं राजा महाराजा जो है जयपुर के, वो आरती करते हुए हमें नजर आ रहे हैं, रिचुअल्स करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही यह रिचुअल्स कंप्लीट होंगे शाही सवारी आगे की ओर बढ़ेगी और ताल कटोरा जाकर पहुंचेगी। पूरे रास्ते भर में भक्त दर्शन तीज माता के दर्शन कर सकेंगे और जय जयकारों से यहाँ पर पूरा दृश्य और माहौल कहा जा सकता है गुंजायमान है। तीज माता के जय जयकारों से पूरा परकोटा आज गुंजायमान हो चुका है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी जयपुर के त्रिकोलिया गेट से तीज माता की शाही सवारी अब जो है शुरू हो चुकी है। उससे पहले लोग कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी, अपनी प्रस्तुतियों से लोगों को लुभाया। प्रशासन भी यहां पर बड़ी संख्या में मौजूद है ताकि किसी भी तरीके की कोई दुर्घटना की आशंका हो तो उसे कंट्रोल किया जा सके। हाल फिलहाल बारिश भी रुक गई है और अब भक्त अच्छे से दर्शन कर पा रहे हैं। महाराजा जयपुर के जो हैं वो रिचुअल्स कंप्लीट करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जो है राजधानी में रिचुअल्स कंप्लीट किए जा रहे हैं और अब यहाँ से जो है ये शाही लवाजमे के साथ तीज माता की शाही सवारी शुरू होगी जो कि ताल कटोरा पहुंचेगी और ताल कटोरा पर भी लोक कलाकारों द्वारा ऐसी छटा बिखेरी जाएगी। ड्रोन से पुष्प वर्षा यहाँ की जा रही है जो पहला नवाचार है इस बार। ड्रोन से पहली बार पुष्प वर्षा तीज माता की शाही सवारी पर की जा रही है जो पूरे रास्ते पुष्प वर्षा की जाएगी। तस्वीरें बयां कर रही है और आप देखिए यहाँ से शुरू हो चुकी है तीज माता की शाही सवारी जो ताल कटोरा जाकर पहुंचेंगी। बैंड बाजा हाथी घोड़े सब यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं और बड़ी संख्या में दर्शक पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद है। तो ये लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर और जिस घड़ी का इंतजार पूरी तरह से ये आप देखिए, दर्शन कीजिए तीज माता के, बिल्कुल पूरी शाही और अंदाज के साथ यहाँ से पूर्व सज धज कर पूरे 16 श्रृंगार के साथ ये उनकी शाही सवारी आगे बढ़ती हुई लगातार अपने कैमरों में अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहते हैं इस पल को। और ये तमाम लोग, ये सैलानी न सिर्फ जयपुर के स्थानीय लोग बल्कि विदेश और देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए पर्यटक इस वक्त मौजूद और त्रिपुरिया गेट से ये जो रवाना हुआ है पूरा शाही लवाजमा ये आगे तक पहुंचेगा और इस दौरान पूरे सड़क के किनारे खड़े होकर लोग इंतज़ार करें दीदार करेंगे, दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। और ये एक ऐसा दिन तीज उत्सव की ये धूम जो लगातार 2 दिनों तक चलती है और इस धूम के जरिए 2 दिनों तक जयपुर के लोग, राजस्थान के लोग, पूरे देश और देश के बाहर भी जो लोग राजस्थान की संस्कृति और परंपरा को देखते हैं। और ये देखिए अचानक से ये भीड़ उमड़ती हुई और दिखाई दे रही है। महिमा जैन हमारी सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद और आपको आंखों देखा हाल लगातार बताती हुई कैसे ये लगातार पूरा शाही लवाजमा आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके साथ ही साथ बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। बारिश का दौर भी लगातार चल रहा है और बारिश
के बावजूद लोग के उत्साह में, उनकी उमंग में कोई कमी नहीं। और अगर सावन है तो तीज है, तीज है तो बरसात है, और बरसात है तो तीज माता की यह शाही सवारी है। त्रिपोलिया गेट से रवाना हो चुकी है, पूरे राजस्थान के रंग के साथ, राजस्थान की फिजा के साथ ये राजस्थान की छटा बिखेरती, चाहे वो कच्ची घोड़ी हो या कालबेलिया नृत्य हो। और जो अलग अलग अंदाज शाही मूछों का देखने को मिला, चूंकि हमने देखा भी कि कई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी यहाँ पर बने हैं उसी दौरान, फिलहाल की ये अलग अलग रंगों की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। के माध्यम से विश्व की महानतम संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत की